मेरठ से मैं चुनाव लड़ रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। आई एम फीलिंग थ्रिल्ड एब्सोल्युटली। कारण यह है कि मेरठ मेरी अपनी जगह है, मैं मेरठ में पैदा हुआ, मैं मेरठ में बड़ा हुआ, मैंने मेरठ से मेरी पढ़ाई की, तो एक ऐसी जगह जहाँ ये सब हुआ है उससे कितना जुड़ाव हो सकता है आप सब लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं इस बात का। तो आज मैं मेरठ जा भी रहा हूँ, तो आई एम फीलिंग थ्रिल्ड, बहुत अच्छा लग रहा है। आज तक हम जो भी करते रहे, मैं जो करता रहा आज तक, वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि वो भी सेवा का एक रूप था। और अब ये लोगों की सेवा का, हमारे भाइयों बहनों की सेवा का एक दूसरा रूप अब यहाँ से शुरू होगा, तो अच्छा लग रहा है। जो काम पहले करता था वही अभी भी करूँगा, हालांकि बस रूप उसका बदल जाएगा। और अपनी जगह से कितना लगाव होता है, कितना जुड़ाव होता है, ये सब आप जानते हैं। मैं दो तीन साल पहले लास्ट टाइम जब मेरठ गया था, तो वहाँ के मतलब आज जब से ये हुआ है कि मुझे मेरठ से चुनाव लड़ना है, तब से वहाँ का मेरा पुराना घर, मेरे जिन गलियों में, जिन कूचों में, जिन स्कूल्स में मैं पढ़ा हूँ, वो सारे मेरी नज़रों के सामने जो है वो घूम रहे हैं। एंड आई वुड लव टू बी देयर, एंड आई वुड लव टू मीट पीपल, एंड आई वुड लव टू वर्क फॉर पीपल ऑफ मेरठ एंड हब। सर एक सवाल, ऐसे समय में आपको टिकट मिला है जब हम देख लें रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई और ठीक इसके बाद चुनाव हो रहा है, तो ये टिकट मिला, तो क्या कहना है आपने राम? देखिए नहीं नहीं, देखिए ये आपको उनसे पूछना पड़ेगा जिन्होंने ये टिकट दिया है। हाँ सर, जो उन्होंने इस समय क्यों दिया भाव, तो देखिए है इस समय पूरा देश, पूरा विश्व जो है वो राममय है ना, और रामलला का मंदिर बना है इतने सालों की जद्दोजहद के बाद, तो ओवरऑल माहौल बहुत एनर्जेटिक है, बहुत अच्छी ऊर्जा है। वो ऊर्जा जो भगवान राम के जो हमें देते हैं, वो ऊर्जा, उस ऊर्जा से हमारा देश इस समय बिल्कुल ओतप्रोत है, तो अच्छा लग रहा है, बिल्कुल हर चीज पॉजिटिव नजर आती है। सर मेरठ की जनता के लिए बीजेपी ने सर इसीलिए 370 का एक नारा दिया और 400 पार एनडीए से, तो आपको लगता है कि ये जो तमाम काम हुए उसमें ये आंकड़ा आ जाएगा? नहीं, काम तो देखिए इतने हुए हैं कि उनको गिनाया नहीं जा सकता। मतलब इतने काम, जितने काम हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ने कर दिए हैं इन सालों में, मुझे नहीं लगता अगर उसके आगे एक जीरो भी लगाई जाए तो उतने सालों में वो काम हो पाते, इतना उन्होंने काम कर दिया है। उनकी जो इच्छा है, जो विल पावर है उनकी, उनकी जो एनर्जी है, वो आज तक किसी भी नेता में, किसी भी पॉलिटिशियन में देखने को नहीं मिली। और मुझे वो पॉलिटिशियन नज़र ही नहीं आते अब तो। अब मुझे वो एक ऐसा कर्मठ आदमी नज़र आता है जो अपने देश के लिए, अपने देश के लोगों के लिए, अपने देश की महिलाओं के लिए सब कुछ, कुछ भी करने को तैयार है और कर रहा है। वो जितने वादे उन्होंने किए हैं वो सारे पूरे होते, पूरे हो रहे हैं धीरे धीरे। और जैसे राम मंदिर बना और महिलाओं का सशक्तिकरण हुआ, ये सारी चीज़ें हैं। और उसको अगर देखा जाए, उस को बैकग्राउंड में अगर हम रखें, तो जो आंकड़ा जो निर्धारित किया गया है, आई एम श्योर कि वो जरूर पार हो जाएगा। मेरठ की जनता के लिए क्या बात कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस पार्टी मर्यादा लांघती जा रही है, एक बयान जो है उस राहुल जी के खिलाफ आपने देखा भी होगा, उसको आप किस तरह से देखते हैं? नहीं देखिए, उस बारे में मैं किसी पार्टी के बारे में, किसी व्यक्ति विशेष के बारे में मैं नहीं कहना चाहूंगा कुछ भी। आपको मेरे विषय में कुछ पूछना हो, मेरी पार्टी के विषय में कुछ पूछना हो, सर मेरठ की जनता को लेकर क्या कहेंगे, किन बातों को लेकर आप उनके पास जाएंगे, ये काम करेंगे, ये मैं बाद में बताऊंगा जब जाऊंगा। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।